ये ताबीज में ये रहता, ऐसे चीज रहते, यही नहीं बहुत सारे ऐसे चीज रहते। ये क्या है? ये पंजे तन पाक बल के इसको पाक, ये क्या है? अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह हिदायत दे, कोई चीज पाक नहीं है, सुभान अल्लाह है, अल्लाह पाक है। ये है तावीज मुबारक दुआए गंजुल अर्श, नामिज करप्टेड है, नामिज करप्शन है, अरबी में गाफ हर्फ नहीं है, दुआए गंजुल अर्श ये डाल दिए, ठीक है। अब उसके बाद सबसे ताकतवर आयत कौन सी है कुरान मजीद की? सबसे बेहतरीन आयत आयतल कुर्सी, आयतल कुर्सी, ठीक है। इस तरीके से लपट दिए हैं और उसको, और सूरह यासीन शरीफ का भी तावीज है और बहुत सारे रहते हैं। खैर फिर इधर ही चाहता हूँ, मेरा तरीका है पेशेंट का तावीज उतारने का, वो खुद उतार के देता है इंशाल्लाह, आप ही करिए इंशाल्लाह। कुरान हाथ में दीजिए, बंद करिए फोन, कुरान हाथ में दीजिए, बैतुल खला में जाइए, बोलिए जाते क्यों? अल्लाह अकबर, मौलाना साहब आप ये क्या बोल रहे हैं, बेअदबी होती है, अल्लाह का कलाम है नहीं ले जाते बैतुल खला में, बड़े जज्बे में बोलेंगे। ठीक है, काम करो, पेपर को एक बीच में से फाड़ लीजिए, हाथ में पकड़ के बैतुल खला में जाइए, जाते नहीं। अरे मौलाना साहब, एक आयत भी अल्लाह की, अल्लाह कुरान की है, बेअदबी होती नहीं ले जाते, एक आयत फाड़ लेके ले जाइए, एक आयत फाड़िए हाथ में लीजिए या जेब में रख लेके ले जाइए, जाते नहीं? जाते क्यों नहीं जाते? अल्लाह का कलाम है, बेअदबी होती बैतुल खला में नहीं ले जाते। ये मुशरिक, ये कुफर करने वाले, ये शिर्क करने वाले जो तुम्हारी नजरों में औलिया अल्लाह बने बैठे हैं, ये लोग ये लिख कर दे रहे हैं, तुम इसको गले में टंगा के जा रहे हो, कुरान की बेअदबी हो रही नहीं हो रही, हो रही नहीं हो रही? नहीं मौलाना साहब, वो मुंह में लपटा हुआ है, पन्नी चढ़ी हुई है, कपड़े में है, डोरी में है, गले में है, छुपा हुआ है, माचिस के डब्बे के उतना कुरान है नहीं है मार्केट में, वो माचिस के मैच बॉक्स उतना साइज का कुरान है नहीं है, इससे छोटी रहती ना मैच बॉक्स, ये साइज का कुरान भी मिलता, पूरा कुरान ही से रख लेना भाई तू, कपड़े में है और फिर जा इंशाल्लाह, हिफाजत बड़ी हिफाजत, पूरा कुरान ही है सीने में, अब हिफाजत होती, सीने पे टंगा हुआ है, ये हिफाजत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हदीस नहीं सुनाया मैं अभी, तो ये लॉजिकल आंसर है। नबी ने क्या कहा? मन तअल्लक तमीमतन फकद अशरक, जिस किसी ने तावीज गंडा पलीता लटकाया उसने यकीनी शिर्क किया है। क्यों? पढ़ रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और फिर क्या कर रहा है? तावीज पर भी उसका अकीदा है और शिर्क कर रहा है। वो अल्लाह जो तुम्हारी माओ के बतन में तुम्हारी हिफाजत करा, हम सब की माओ के बतन में अल्लाह हमारी हिफाजत की है नहीं की है, और ज़मीन पर तावीज़ हिफाजत करेगा, अल्लाह की कसम है तावीज़ हिफाजत नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने मसनून दुआएं सिखाए हैं, वो चाहिए हमें पढ़ें, वो वही हमारे लिए काफ़ी है इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामातिन मिन शर्रि मा खलक, ऐ अल्लाह मैं आपके तमाम कलिमात के पनाह मांगता हूँ तमाम मखलूकात के शर से। अल्लाह के नबी ने सिखाया तीन बार दुआ सुबह पढ़ लो, शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहोगे, शाम में तीन बार दुआ को पढ़ लो, आने वाली सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहोगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को करीब करके उन पर क्या पढ़ते थे? उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि तम्म मिन कुल्लि शैतानि वहम व मिन कुल्लि ऐनि लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनको मैं आपके तमाम कलिमात की पनाह में देता हूँ, मिन कुल्ली शैतानी वहामा तमाम शैतानों से, तमाम जहरीले जानवरों से, वह मिन कुल्ली आइन इल्लामा और हर उस नजर से जो बुरी नजर है लगाने वाली, नजर बद है, अल आइनु हक्कुन, अल्लाह के नबी की हदीस है, ईमान रखना है। तो अल्लाह के नबी ये किया करते थे, अल्लाह के नबी को नहीं समझा, अपने नवासों के गले में आयतल कुर्सी लिख के सूरह यासीन शरीफ का तावीज़ लपट के